प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम NPHCI के तहत बाराबंकी जिला अस्पताल में बने 10 बेड के जीरियाट्रिक वार्ड और माइकेनाइडीज लॉन्ड्री का उद्घाटन आज योगी सरकार में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद शर्मा ने किया। 10 बेड के इस वार्ड में 60 साल से ज़्यादा उम्र के मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा और इनके लिए अलग से डॉक्टरों और स्टाफ की तैनाती की गई। इसके अलावा जिला अस्पताल में 42 बेड के पीडियाट्रिक ICU और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO प्लांट का शिलान्यास भी राज्य मंत्री ने किया। बाराबंकी जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत जीरियाट्रिक वार्ड का निर्माण हुआ है। इसमें 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। NPHCI का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराना है, क्योंकि इस उम्र में बुजुर्ग हृदय रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, जोड़ दर्द और मोतियाबिंद आदि से पीड़ित रहते हैं। वार्ड में बुजुर्गों को आधुनिक चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए जीरियाट्रिक विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ की भी तैनाती की गई। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए ये वार्ड मील का पत्थर साबित होगा। वहीं आने वाले दिनों में बाराबंकी जिला अस्पताल के साथ एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जल्द ही यहां 42 बेड के पीडियाट्रिक ICU, बाल गहन चिकित्सा कक्ष और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO प्लांट की सुविधा होगी। कार्यदायी संस्था जन निगम द्वारा इसे बनाया जाएगा। वहीं इसके अलावा जिला अस्पताल में कपड़े भी अब आज से शुरू हुई माइकेनाइडीज लॉन्ड्री में धोए जाएंगे। दरअसल अस्पताल से निकलने वाले चादर, कंबल, OT ड्रेस और मरीजों के कपड़ों में बैक्टीरिया होने की आशंका ज़्यादा रहती है। ऐसे में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ये सुविधा काफ़ी फायदेमंद रहेगी। बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया है बोलने का। और मैं बताना चाहूँगा कि जिला अस्पताल पुरुष बाराबंकी में मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार CMS हूँ। और यहाँ पर आज दिनांक 7 जून 2023 को माननीय खाद्य और रसद मंत्री राज्य मंत्री श्री सतीश शर्मा सर के द्वारा यहाँ पर और श्रीमती राज रानी रावत जी तथा माननीय विधायक जी श्री अंगद जी और जिलाध्यक्ष BJP ये सभी लोग गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे और हमारे अधीक्षक साहब, चिकित्सक गण और कर्मचारी, इनकी उपस्थिति में आज जो है यहाँ पर मैकेनाइज लॉन्ड्री का जो है जो यहाँ पर स्थापित की गई नहीं उसका उद्घाटन किया गया है विधिवत। और इसके बाद जो है यहाँ पर जीरियाट्रिक वार्ड में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा और उनकी उपचार हेतु जो वार्ड बनाया गया है वो वार्ड का उद्घाटन हुआ। 10 बेड का है वो। फिर उसके बाद वहाँ पर माननीय प्रधान हमारे जो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जो उनका दिशा निर्देश है कि हमको TB मुक्त भारत करना है, उसके अभियान के तहत यहाँ 20 मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई है। तत्पश्चात माननीय मंत्री जी जो है उनके कर कमलों के द्वारा जो है यहाँ पर 42 बेड का PICU की जो स्थापना हो रही है उसमें जो है एक जल निगम जो संस्था है कार्यदायी उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, उसका जो है विधिवत जो है भूमि पूजन किया गया, शिलान्यास किया गया है और साथ ही साथ जो है LMO प्लांट का भी किया गया है। ये जो शिलान्यास किया गया है इसका कब तक बन के हो जाएगा? इसका बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। और इसमें जो कार्यदायी संस्थान भी लगी है उनके अधिकारियों को भी आज हमने यहाँ बुलाया था, वो लोग यहाँ आए थे, उन लोगों ने जो है इस संबंध में पूरा आश्वस्त किया है कि जो यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा, जिससे कि यहाँ क्षेत्र की जो हमारी जनता है जिनको ICU जरूरत पड़ती है बच्चों को वो बहुत ही लाभान्वित होगी। साथ ही साथ जो हमारे पूरे 140 बेड को ऑक्सीजन के पॉइंट से संतृप्त कर दिया, ये बड़ा हर्ष का विषय है। तो हमारे को जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस प्लांट के बन जाने से जो निर्बाध जो है यहाँ पर 2400 घंटा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहेगी।